अभी जैसे हमारे शादी हुआ तब बहुत बात उठने लगा कि आप अलग कास्ट क्यों किए। ये मतलब कि कोई बोलता है कि तुम लोग नौटंकी कर रहा है, नाटक था ये सब, झूठ मूठ का तुम लोग पहले से ये सब तुम लोग प्लान करके रखा था, इसीलिए अचानक से तुम लोग शादी किया है। लेकिन उसके बाद फिर शादी करने के बाद फिर मम्मी पापा के ही पास जाना पड़ता वो लोग। तो आपके साथ तो ऐसा नौबत नहीं आएगा ना? नहीं, आप खुश है ना सनातन जी के साथ? हम बहुत खुश है। गमछा पहन के डांस कर रहा है तो कभी पीछे हल रखा तो उसको लेके डांस करता था। कारण ये कि कोई अपने आप को गांव का है तो कोई सोचे नहीं कि भाई मैं ऐसे पायदान सा और मुझे शर्म महसूस हो। वो आपके लिए सही है कि नहीं सही है? ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में नई नई जवानी चढ़ी है और प्यार मोहब्बत के खुमार में भाग गए। ऐसा घर में करना चाहिए ताकि लड़का उसको संभाल ले, ऐसा नहीं कि मम्मी पापा के पास रो के फिर से जाना पड़े। तो देखो मैं जब तक शादी ना कर पाऊँ, जिसको ला सकूँ लाऊँ, उसको यदि खिला ना सकूँ, घर में यदि पार्टी दे रहा हूँ, यदि ससुर का पैसा से पार्टी दे रहा हूँ, तो मैं लायक नहीं हूँ। इनकार करते करते इजहार कर बैठे, हम तो तुमसे एक तरफा प्यार कर बैठे। ये शायरी मेरे लिए नहीं है, ये शायरी खूबसूरत जोड़ी के लिए है। स्वागत है दादा, जोहार। पता चला जोहार जोहार, अभी पता चला भाई शायरबाज भी है। तो डांसर सनातन जी और इनकी पत्नी मौजूद है हमारे साथ। इनके बारे में मैंने आपको अलग अलग इंटरव्यू में दिखाया भी है, बताया भी कि इनकी लाइफ स्टाइल क्या है। लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जब मैं इनके गाँव जाता था तो खपड़े वाला मकान था इनका, तो उस वहाँ पर रहते थे, वहीं पे वीडियो बनाते थे। लेकिन इनका घर देख के मेरा दिल खुश हो गया। देख लीजिए कितना अरेंजिंग तरीके से इनका घर है और कितना प्यारा घर आप देख सकते हैं, सपनों का घर इसको कह सकते हैं। तो कैसी हैं आप? हम तो ठीक हैं। हाँ। देखिए इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया था, मतलब ये दूसरी जाति से हैं और ये दूसरी जाति से हैं, उसके बाद ये प्यार में शादी किए थे। तो सबसे पहले हम तो तुमसे एक तरफा प्यार कर बैठे, तो आपको पहले प्यार हुआ था कि इनको हुआ था? प्यार मतलब क्या, हम लोग में एक बोल सकते समझ थी। मैं इनका हमेशा एक सपोर्टेड में रहा हूँ कि आपको लाइफ में कुछ भी करना है मैं हमेशा सपोर्ट में हूँ। ठीक, तो इसी के बारे में हमेशा बताते रहता था, ये योगा वगैरह जो भी आप लोग देखे होंगे सब मैंने ही इसको करवाया सारा चीज़, ताकि तुम अपना और अपने आप को डेवलप कर सको। पढ़ाई में भी बोले कि कुछ भी तुम्हारा दिक्कत हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अंजलि जी, शादी को कितना समय हो गया? 7 मंथ हो गया। 7 मंथ हो गया, तो 7 महीने हो गए। अभी कभी घर गई है कि नहीं वापस? नहीं। अभी तक एक्सेप्ट किया है कि नहीं? नहीं। लास्ट टाइम 4-5 महीने पहले इंटरव्यू किया था, उस समय भी आप यही बात कही थी। तो अभी तक घर वाले नहीं माने हैं? नहीं। अभी तक घर वाले नहीं माने हैं, इसलिए नहीं माने हैं क्योंकि अलग अलग जाति के लोग हैं दोनों, अलग अलग जाति से हैं, शादी कर लिए हैं दोनों प्यार मोहब्बत करके, लेकिन लड़का में काबिलियत कूट कूट के भरा है। लड़का सक्सेसफुल है फिर भी लड़की के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं क्योंकि लड़का दूसरे जाति से बिलोंग करता है। अब सोचिए कि लड़का इतना सक्सेसफुल है, अभी भी अपनी वाइफ को, अपनी प्रेमिका को पढ़ा रहा है, आप देख सकते हैं ये अभी भी अपनी वाइफ को पढ़ाते हैं, बहुत सारा किताब है, बुक्स है, एक शिक्षक भी वहां पर बैठे हुए हैं पढ़ाने के लिए। तो सोच लीजिए कि फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। समाज जो है जाति प्रथा कब खत्म होगा? अब बताइए कि अलग जाति से हैं, अलग जाति से शादी कर लिए लेकिन अभी भी माता पिता खुश नहीं है। दारूबाज से शादी करवा दीजिए लेकिन एक सक्सेसफुल लड़का है जो होनहार लड़का है उससे शादी नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं? सही बात है, समाज में ही ना हो रहा है, यही चीज होता ही है। ऐसे करके हमारी फैमिली वाले, जैसे दीदी भी बोलती रही है कि मेरा, हम लोगों का जितना भी शादी हुआ वैसे घर से ही बिलोंग हुआ। अभी जैसे हमारे शादी हुआ तब बहुत बात उठने लगा कि आप अलग कास्ट क्यों किए, तो वही वाला दीदी भी बोलती थी कि हमारे उस टाइम कोई बोला नहीं कि दीदी लोग का कैसे शादी देंगे, चलो हम लोग कुछ सपोर्ट कर देते हैं, अच्छा घर में शादी दिला देते हैं। तब कोई नहीं आया कि भाई तुम्हारा बच्चा है तुम संभालो। और अभी जब हुआ तब बोलते हैं कि तुम ये क्यों किया, समाज वाले। हाँ अच्छा, अभी सावित्री दीदी की आप बात कर रहे हैं तो उनको मिस करते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत समय बाद आपसे मुलाकात होती होगी? नहीं, यहाँ तो अभी एक बार भी आई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर नहीं आई? नहीं, मेरी तो फर्स्ट बार गया था कुछ दिन पहले दीदी का वहाँ पर। आप लोग का पहले का, आपका और आपकी जो सिस्टर का, मतलब भाई बहन की जोड़ी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, आप लोग उससे बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, लेकिन अभी जोड़ी टूट गई है, वो अपना अलग जा चुकी हैं, ससुराल में वीडियो बनाती हैं और आप अपना अलग अपनी पत्नी के साथ वीडियो बनाते हैं, तो फिर इस दोनों में क्या अंतर? कुछ व्यूज़ में डाउन आ रहा है या लोगों में लोग कम प्यार दे रहे हैं या ज्यादा प्यार दे रहे हैं, या लोग कमेंट करते हैं कि अभी भी आप अपनी बहन के साथ वीडियो बनाइए? वीडियो पे तो इसे रहता ही है, लेकिन देखिए समय को हमेशा एक जैसा नहीं होता है ना, हमें चेंजिंग लानी भी पड़ती है। और वो रही दीदी, मतलब वो तो जानते ही हैं कि एक दिन तो ब्याह होकर जाना ही है। ठीक है, तो अभी हम लोग का भी कारण वीडियो थोड़ा सा डाउन पड़ती है। कारण क्या, हम लोग भी अभी वो चीज अभी मतलब वर्क करने का मन नहीं करता है, क्योंकि अभी YouTube पे देखते हैं हम लोग, अरे यार ऐसे ऐसे लोग आ गए बिना कुछ ऐसे टैलेंट के, बस ब्लॉगिंग शुरू किया
वीडियो बनाया, अच्छे खासे मतलब अपना फैन फॉलोअर बन गया। तो हम लोग भी बोल रहे हैं कि इतना डांस करेंगे, इतना कुछ करके भी पसीना बहा के कुछ फायदा ही नहीं है, तो इसे क्या है इतना मेहनत करना है। इससे ऐसे चलो हम लोग भी ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं और इसी से अपना घर भी चल रहा है ब्लॉगिंग के कारण ही। यूट्यूब पर भी सोचो डांस करते तो हो सके मुझे कहीं सॉन्ग वगैरह मिल जाता, एक दो कर लेते, उसके बाद क्या करता मैं, कहीं बैठा रहता। तो उसी के कारण बोलो चलो अभी ब्लॉगिंग करेंगे और ब्लॉगिंग के कारण ही आज जो कुछ चेंजिंग है हमारे। अच्छा अंजलि जी ये बताइए, आप लोग को देखिए क्योंकि आप लोग सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर कमाए हैं, अर्निंग भी काफ़ी अच्छी हुई है, आप लोगों ने गाड़ी खरीद लिया, काफ़ी अच्छा घर भी है, तमाम तरह की चीज़ें हो गई हैं। तो बहुत सारे लोग ना आप लोग को देख के फिर आ जाते हैं, वो वीडियो बनाने लगते हैं, आधा झूठ रहता है आधा सच रहता है, इस पर क्या कहना चाहिएगा? ये मतलब कि कोई बोलता है कि तुम लोग नौटंकी कर रहा है, नाटक था ये सब, झूठ मूठ का तुम लोग पहले से ये सब तुम लोग प्लान करके रखा था, इसीलिए अचानक से तुम लोग शादी किया है। अच्छा। बहुत कोई कमेंट भी करता है इस तरह, वीडियो में भी करता है, कोई कोई बोलता भी है। अच्छा, आप लोगों को कहता है कि तुम लोग मतलब प्लानिंग करके रखे थे, नाटक कर रहे हो। हाँ। और उनका तो बात ही है कमेंट पास करना, यदि कमेंट पास करना बंद हो तब तो लोग भी वीडियो बना रहे अपने आप को दिखाए कि हम क्या है। अच्छा, ये घर आप लोग खरीदे हैं कि रेंट पे लिए हैं? नहीं नहीं, अभी खरीदे। हमको लग रहा है इसको खरीदते खरीदते हम अभी तक YouTube में उतना कमाई नहीं हुआ खरीद पाए। नहीं नहीं, खरीद सकते हैं, क्यों नहीं खरीद सकते? देख, होने क्यों नहीं होगा, समय लगेगी, लेकिन अभी तो वो नहीं है, रेंट पे ही है ये। अच्छा, अगर कोई लड़की अपनी प्रेमी के साथ शादी करना चाहती है, दूसरे जात का लड़का है, तो क्या उसको शादी करना चाहिए, और शादी करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? लड़का अच्छा पढ़ा लिखा हो पहले तो उसको कुछ कर ऐसा घर में करना चाहिए ताकि लड़का उसको संभाल ले, ऐसा नहीं कि मम्मी पापा के पास रो के फिर से जाना पड़े, है ना। हाँ, बस ये क्योंकि तो ऐसे एग्जांपल बहुत होते हैं कि शादी तो कर लिए भाग भाग के। हाँ। स्टार्टिंग में कर लिए जोश जोश में कि प्यार है, मोहब्बत है, तकरार है, इकरार है, लेकिन उसके बाद फिर शादी करने के बाद फिर मम्मी पापा के ही पास जाना पड़ता है वो लोग। तो आपके साथ तो ऐसा नौबत नहीं आएगा ना? नहीं, आप खुश है ना सनातन जी के साथ? हम बहुत खुश है। घुमाने लेके जाते हैं कहीं? जहाँ बोलते वहाँ लेके जाते। अच्छा, मतलब जहाँ आप बोलती हैं वहाँ लेके जाते हैं? हाँ, लेके जाते हैं। तो मतलब आप इनको अपनी उंगलियों पे ना चाहती हैं? ऐसा बात नहीं है। अच्छा सनातन भाई, सच सच बताइएगा कि आप मेरे भाई जैसे हैं, दोस्त जैसे हैं, कि कहा जाता है ना कि जब शादी कर लीजिएगा तो जो पत्नी होती है ना, मतलब पति से सारा काम करवाती है, कहती है कि नहीं ये कीजिए, मतलब उंगलियों पर ना चाहती है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप शादीशुदा हैं, आप प्रेम करके शादी किए हैं, तो इसके बारे में जरा बताइए। सच्चाई तो सही बात है। अच्छा, देख लीजिए। लेकिन मैं वो चीज अपने आप को फॉलो होने ही नहीं देता। मतलब सही बात है, थोड़ा सा साफ कर दीजिए, बिस्तर में सोए ओढ़ के अपने नहीं सक रहे, पैर दर्द कर रहा है, पैसे वाला सीन करके पार करना पड़ता है। नहीं, थोड़ा सा अगर हेल्प भी करना पड़े तो कोई इसमें दो राय नहीं है, कर देना। वो हेल्प करने का चाहिए। हाँ। मतलब थोड़ा सा ज्यादा हेल्प का करने का, और वो वहाँ पर बैठ कर रील्स देखेगा, बोलेगा जाइए ना थोड़ा सा वो देख के आइए साफ कर दीजिए। तो हम बोलेंगे उससे अच्छा कि तुम वो देखो, मैं रील्स देख लेता हूँ, कुछ मैं देखूंगा तो थोड़ा कॉन्टेंट भी सोचूंगा, ये ऐसे ऐसे वीडियो देखेगी जिसका कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा। अच्छा, जो गाड़ी खरीदे हैं आप, EMI पे खरीदे हैं या कैश दे दिए हैं? फोर व्हीलर लेने का कारण क्या था ना, पहली बात तो हमारे घर में, पहले भी मैंने बोला कि हमारे घर में एक टाइम सोचते थे कोई एक बाइक वाला हमारे घर में आके खड़ा हो, ऐसे सोचते थे। अभी तो देखते हैं दिन रात कोई ना कोई आए, आता रहता है, सही बात है। एक टाइम तरसते थे कोई आए, ऐसे भी फील करते कोई मेहमान आए हम लोग घर, लेकिन कोई वैसे नहीं आता था जी। अच्छा, तो फाइनेंशियल ये बताइए कि जैसे जहाँ पे आप स्टार्टिंग में हम लोग मिले थे आपसे, आपकी शादी हुई थी इनसे, तो वो खपड़े वाला मकान था इनका, जो गाँव अभी भी है शायद बन रहा है, तो अच्छा जो भी हुआ पे खपड़े वाला मकान था, लेकिन अभी आप आई है, ये काफी 3 या 2 BHK जो भी मकान है, घर है, काफी अच्छा है, तो वहाँ के घर में और यहाँ के घर में आपको क्या अंतर लगा? वहाँ ज्यादा मन लगता था या यहाँ पे मन लग रहा है? वहाँ पे ज्यादा लगता था, परिवार के साथ ही अच्छा लगता है किसी को भी। अच्छा, वहाँ पे गांव में मन लगता था। और हाँ। आप लोगों को ना गांव के अंदाज में लोग देखना पसंद करते हैं। और मैं भी हमेशा गाँव में रहा तो अधिकतर गाँव चीज दिखाने का प्रयास करता हूँ। उस टाइम में जब टिकटॉक वीडियो बना था, कभी गमछा पहन के डांस कर रहा है, तो कभी पीछे हल रखा तो उसको लेकर डांस करता था। कारण ये कि कोई अपने आप को गाँव का है तो कोई सोचे नहीं कि भाई मैं ऐसे पायदान सा और मुझे शर्म महसूस हो, तो वही कारण था। लेकिन अभी यहाँ आने के बाद थोड़ा सा वो कमी होती है, लेकिन क्या करें, अभी जैसे कि सब चीज लेके चलना पड़ता है, समय के साथ साथ चेंज करना पड़ता है। समय के साथ चेंज कर, अगर ज्यादा अगर वही रहिएगा, वही खपड़ा वाला दिखाइएगा तो कहेगा जो कमेंट करके कि इतना पैसा कमा रहे, वही दिखा रहे, बुड़बक बना रहे हो, कमेंट भी तो आता ही। वो चीज बहुत ज्यादा वीडियो में आता था, है ना, बहुत ज्यादा। अब कहिए कि देख लो हमारा घर बढ़िया, भाई देख लीजिए, भाई आप लोग को मजाक लगता है तो देख लीजिए। गाँव से बिलोंग करते हैं और ये लोग बहुत ही नीचे से उठे हैं,
इतना नीचे से उठे हैं कि आप बस इनका पुराना जब वीडियो देखिएगा जो वायरल हुआ था टिकटॉक पे, डांस वाला वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से उठे हैं और अभी कहाँ पहुँचे हैं। और ये कैसे पहुँचे, मेहनत किए हैं, लगातार वीडियोस बनाते रहे। ऐसा नहीं कि चार को वीडियोस बनाए और इंटरव्यू लेने चले गए कि हमारा वीडियो ही नहीं वायरल हो रहा है, ऐसे थोड़ी होगा। हमारे वीडियो शुरू होते थे 7 बजे से शाम के 5 बजे तक, उसी बीच में हुआ कि रोटी एक दो हुआ, सब्जी दीदी लेके आई, मर्डर के खा लिए, फिर वीडियो अपना शुरू, एक ही बार में। उसके बाद वीडियो बनने के बाद नहा धोके फिर शाम को हम लोग खाना खाते थे। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग ब्लॉगिंग करती हैं या करते हैं, सबसे फेवरेट ब्लॉगर या यूट्यूबर कौन है आपके? वैसे तो नहीं बोल पा रहे, खुद ही हैं आप। अपने आप को भी हम मानते हैं, ठीक है। और बाकी आपके नज़र में कोई यही है? ये देखिए, ये एक नंबर, ये जोड़ी कमाल की है। और अच्छी बात यह है कि अभी भी सनातन जी अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं और ये भी एग्जाम चल रहा है। एग्जाम दे रही है आप 10th का 12th का? 10th का एग्जाम दे रही है। तो अगले बार भी तो आए थे तो यही पूछा। अच्छा, 10th ही का दे रही थी, याद ध्यान में नहीं था। नहीं, मतलब पढ़ाई हम लेट से स्टार्ट। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दी थी। हाँ, बताई थी आप बहुत ही जल्दी शादी कर ली है। ये वाला चीज बहुत सभी कमेंट ये रहता है कि इतना छोटी लड़की है, इसका एज भी नहीं हुआ है। बट इनका वो एज हो गया है, 19+ हो रही है इनका एज, ठीक है। वो मैं भी पढ़ाई छोड़ दी थी, उसके बाद अभी फिर से ज्वाइन किया। मैं भी ये नहीं देखते है कि पढ़ाई छोड़ने के बाद लड़की फिर से पढ़ाई शुरू। ये बहुत अच्छी बात है, सबसे पॉजिटिव बात है। तो वही चीज है ना, नेगेटिव लोग ज्यादा लेते हैं, पॉजिटिव वो नहीं देखते। कोई होता ना घर के देखते, अरे भाई मेरा घर में प्रॉब्लम है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। ऐसे करके मेरा साथी, ना जाने कितने साथी लोग थे उस टाइम, मेरे क्लासमेट थे कि बहुत लोग छोड़ दिए। तो हमारे साथ अभी झारखंड के सबसे फेमस और सबसे चर्चित ब्लॉगर डांसर सनातन जी मौजूद हैं और इनसे हम बात की। आई होप कि इनकी बातें जो है आपको अच्छी लगी होगी और आप संतुष्ट हुए होंगे इस इंटरव्यू को देख के। और मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा जो भाग के शादी करना चाहते हैं या दूसरे कास्ट में शादी करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा चाहे लड़का हो या लड़की की जिससे हम शादी कर रहे हैं, वो कितना एस्टेब्लिश है, वो क्या करता है, वो आपके लिए सही है कि नहीं सही है। ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में नई नई जवानी चढ़ी है और प्यार मोहब्बत के खुमार में भाग गए। अपने लायक पहली बात तो अपने उस लायक बना लो, उसके बाद ही। मैं शुरू से मेरा घर में भी बोलता था, मैं जब तक शादी, मेरा घर में भी बोलता था उस टाइम शादी करवा देंगे। हम बोलते देखो, मैं जब तक शादी ना कर पाऊँ, जिसको ला सकूँ लाऊँ, उसको यदि खिला ना सकूँ, घर में यदि पार्टी दे रहा हूँ, यदि ससुर का पैसा से पार्टी दे रहा हूँ, तो मैं लायक नहीं हूँ। अपना पैसा से यदि गाड़ी खरीद ना पाऊँ तो मैं लायक नहीं हूँ। मैं एक टाइम हमारे वो जमीन वगैरह जो थी बिक गई थी, तो उससे कुछ पैसा आया था, तो पैसा तो फिलहाल अभी डूब गया। तो वो पैसा जो आया था तो पापा बोले कि तुम बाइक लेगा ना, क्या लगा, बोलो तुमको खरीद देंगे। तो हम बोले कि देखो, एक हमको पैसा एक भी नहीं चाहिए, एक काम करियो, पैसा कुछ होगा मेरा नाम पे फिक्स कर दियो, उससे मेरा पढ़ाई होगा, नहीं तो जब मैं काबिल बनूंगा मैं अपने पैसा से लूँगा। कि अपने आप को दिखा पाऊँ कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। और यही चीज़ अभी देखे हैं कि लोग दूसरा का देखा देखी करके, बाप के पास नहीं है तो जबरदस्ती वो 4-व्हीलर लिया था हमको खरीद दो, ये वो बाइक लिया था हमको खरीद दो, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता बनाओ, अपने काबिल बनाओ, तभी शादी ब्याह के बारे में सोचना। जी, तो कैसी लगी रिपोर्ट ज़रा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और शादी ब्याह करने से पहले, प्यार मोहब्बत करने से पहले दो चार मिनट, हाँ 10 बार सोच लीजिए, सही बोल रही है, 10 बार सोच लीजिए कि हम भागेंगे या तो फिर उसका अंजाम क्या होगा, या कहीं झोपड़पट्टी में रखेगा या कोई बढ़िया महल में रखेगा, ये तो समय बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।